हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एट्थ लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी पार्ट वन। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस और टाइप ऑफ फंक्शंस पे डिस्कस किया। टाइप ऑफ फंक्शंस में मेनली वन वन टाइप और ऑन टू टाइप ऑफ फंक्शन पे डिस्कशन हुआ था कि किसी फंक्शन को वन वन कब कहते हैं और किसी फंक्शन को ऑन टू कब कहते हैं। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और यदि कोई फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फंक्शन ये टॉपिक चल रहा था और डेफिनेशंस थे वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के। एग्जाम्पल 7, 8, 9 और 10 तक डिस्कस हो गया था। 11th एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। एग्जाम्पल 11, शो दैट द फंक्शन एफ कोलन आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। देखिए इसके पहले के एग्जांपल्स में भी हम लोगों ने यही देखा था कि कुछ गिवन फंक्शंस थे और हमें चेक करना था कि वो वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई है और डोमेन और रेंज आप देख सकते हैं कि डोमेन सेट भी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स का सेट है और को डोमेन सेट भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और डेफिनेशन फंक्शन का है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का सिंपलेस्ट केस है। तो आप देखें अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये अपवर्ड कॉनकेव पैराबोला बनता है। ऊपर से देखें तो कॉनकेव, आपको याद होगा मैंने जो ये फंक्शन का मैंने बोर्ड पे जो क्लास डिस्कस किया है, क्लास का रिकॉर्डिंग है वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने पूरा जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन डिस्कस किया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है, यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड कॉनकेव बन रहा है और ओरिजिन से ये कर्व पास कर रहा है। तो देखते हैं इसे प्रूव करना है कि ये ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। ग्राफ से आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इसका ग्राफ तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जब माइनस वन है तो वाई कोऑर्डिनेट ग्राफ का यहाँ पे ये मिल रहा है हमें, और वो भी वन ही होगा क्योंकि वन को अगर एक्स की जगह आप माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही आएगा। एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू भी वन आएगी। एक्स की वैल्यू यदि आप यहाँ वन रखते हैं तो भी एफ एक्स की वैल्यू वन ही आएगी। तो एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए माइनस वन एंड वन, ये जो दो डिफरेंट वैल्यू एक्स की ले रहे हैं तो भी वाई की वैल्यू हमें सेम मिल रही है वन। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन, यानी एक्स की अगर माइनस वन रखें तो भी फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू वन लें तो भी फंक्शन की वैल्यू वन ही आ रही है। तो ये मेनी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो गया और ये इसलिए वन वन नहीं होगा। इस तरह से आप एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू, तो एक उसी के सिमेट्रिकल लेफ्ट साइड में ओरिजिन के नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू मिलेगी और उन दोनों ही x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं जैसा इस तरफ है y एक्सिस के, बिल्कुल वैसा ही इस तरफ है, मिरर इमेज है। अगर y एक्सिस को मिरर की तरह देखें तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज इस साइड में बन रही है। यही बात यहाँ लिखा गया है, सिंस f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ वन, f इज नॉट वन वन, इट इज मेनी वन। Also, the element minus 2 in the codomain range, codomain R, ये R इस set को बताया जा रहा है, ये codomain side में real number है, is not image of any element X in the domain R. यहाँ पे ये जो R लिखा गया है ये domain के लिए लिखा जा रहा है। कह रहे हैं कि यदि codomain set में minus 2 एक real number को हम देखें तो उसकी कोई प्री इमेज इस साइड में डोमेन सेट के रियल नंबर सेट में हमें नहीं दिखती है। यानी कि
कोई भी x की ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जिसका हम स्क्वायर करें तो y इक्वल टू माइनस टू हमें मिले। यानी कि किसी भी रियल नंबर को यदि आप स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो कोडोमेन सेट है इसके सारे ही नेगेटिव नंबर्स अनरिलेटेड रह जाएंगे डोमेन सेट से, तो ऐसी स्थिति में यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेंज सेट जो होगा वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे या जीरो होगा, नेगेटिव कोई भी रियल नंबर यहाँ रिलेट नहीं होगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इनटू फंक्शन होगा। ऐसे फंक्शंस को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल 12। शो दैट एफ कोलन एन टू एन है यहाँ रिलेशन, यहाँ डोमेन सेट भी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स, को डोमेन सेट भी ऑल नेचुरल नंबर्स, गिवन बाय, अब ये डेफिनेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स की दो डेफिनेशन दी है, इक्वल टू ये भी लिखा गया है और इक्वल टू ये भी लिखा गया है। ऐसी डेफिनेशन को हम स्प्लिट फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन को स्प्लिट कर दिया जाए दो पार्ट में या तीन पार्ट में या कितने भी पार्ट में आप कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को स्प्लिट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन If x is odd, कह रहे हैं f x की वैल्यू x plus 1 होगी यदि x odd number है, और x कौन सा ही है, किस सेट के एलिमेंट्स हैं, डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं, और f x किस सेट का एलिमेंट है, कोडोमेन सेट का एलिमेंट होगा, y जिसको हम कहते हैं y is equal to f x भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक डेफिनेशन हुई, दूसरी डेफिनेशन f x की क्या है, f x is equal to x minus 1 होगा जब x इवन होगा, इफ x इज इवन। तो देखिए x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है x, वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो यदि x ऑड हुआ तो एफ एक्स एक्स प्लस वन के बराबर होगा, और यदि x इवन हुआ तो एफ एक्स एक्स माइनस वन के बराबर होगा। तो ये स्प्लिट डेफिनेशन है पूरे फंक्शन की। अब हमें शो करना है यहाँ, शो दैट क्या करना है, इज दिस फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, कि यह फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वन वन के लिए कि क्या एक एक्स की वैल्यू एक ही वाई से डिनोट हो रही है, सॉरी रिलेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर को दो पार्ट्स में बांट लें, पीछे हमने इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट देखा था, तो यदि हम इस n को दो इवन और ऑड नंबर के दो सबसेट्स में बांट लें, तो जो नंबर इवन होगा वो ऑड नहीं होगा, जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा। अब जैसे अगर यहाँ हम वन लेते हैं तो वन प्लस वन टू है, टू हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम x की वैल्यू टू लेते हैं तो अब हम ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x को ऑड होना चाहिए तभी ये डेफिनेशन हम यूज़ कर पाएंगे। x को 2 लेते ही ये x इवन हो गया, तो अब ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, x की अगर 2 यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कभी भी एक x के लिए मींस दो डिफरेंट वैल्यूज x की लेते हैं तो एक वैल्यू y की कभी नहीं मिलेगी, fx की एक वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। आप इसको मैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो डायग्राम बना के देखिए, 1 2 3 4 इधर लिख लीजिए 10 तक, 1 2 3 4 इधर लिख लीजिए 10 तक, डैश डैश कर लीजिए। ऑड नंबर्स को इस रिलेशन से रिलेट करिए एक्स साइड को वाई साइड से, और इवन नंबर्स को इस रिलेशन को फॉलो करते हुए रिलेट करिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वन वन नंबर की मैपिंग वन वन की होगी। ये बात देखिए यहाँ कैसे लिखी गई है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है इसको लिखने का, देखिए सपोज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। पीछे आपने देखा है कि वन वन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मानते हुए यदि हम ये प्रूव कर दें कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है तो वन वन प्रूफ हो जाता है, यही यहाँ करना है हमें। तो सपोज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, नोट दैट इफ एक्स वन इज ऑड एंड एक्स टू इज इवन देन वी विल हैव एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वन। अब इसे देखिए समझिए,
यदि x1 odd है, if x1 is odd, x1 यदि odd है, तो definition क्या use करेंगे हम? fx is equal to x plus 1. तो अगर x की जगह x1 लेते हैं और वो odd number है, तो f of x1 की जगह हम x1 plus 1 लेंगे. ये वाली definition odd number वाली use करेंगे. और यदि x2 यहाँ पे even number है, तो definition even number में क्या है? x2 minus 1 यूज करेंगे, fx equal to x minus 1 definition odd number, even numbers के लिए, तो x2 minus 1 होगा. So fx1 equal to fx2 implies x1 plus 1 is equal to x2 minus 1 if x1 is odd and x2 is even. That is, अब अगला step क्या होगा देखिए, इसी को simplify किया गया है. x2 minus x1 is equal to 2, x1 को इधर लाए और माइनस वन को उधर ले गए, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल. कह रहे हैं कि किसी भी एक ऑड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस 2 नहीं आ सकता, 2 का मल्टीपल नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबल है. आप देख सकते हैं इसको, कोई भी एक ऑड नंबर लीजिए, कोई भी एक इवन नंबर लीजिए, और उसका डिफरेंस 2 या 2 का मल्टीपल नहीं आएगा. सिमिलरली the possibility of x1 being even and x2 being odd can also be ruled out using the similar argument. इसी तरीके से कहा जा रहा है कि x1 even लो और x2 को odd, तो भी यही possibility आएगी, और ये भी same argument से वो impossible step होगा, x2 minus x1 2 नहीं होगा. Therefore both x1 and x2 must be either odd or even. तो अब एक x1 और एक x2 हम ले नहीं सकते, दोनों को हम इवन लें या दोनों को हम ऑड लें. तो सपोज बोथ x1 एंड x2 आर ऑड, देन fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज, अब ऑड वाली डेफिनेशन को यूज करेंगे, x1 प्लस 1 और यहाँ भी ऑड है तो x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2. तो अब ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x1 यानी एक ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर से ही रिलेट हो, मतलब एक ऑड नंबर ये है, दूसरा ऑड नंबर ये है, तो ये दोनों ही ऑड नंबर्स अगर इस रिलेशन को फॉलो करते हैं fx1 equal to fx2, तो वो दोनों ऑड नंबर बराबर आ रहे हैं. 1 1 की ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 x2 दोनों को हमने ऑड लिया है, इसी तरह x1 x2 दोनों को अगर हम इवन लें तो भी ये 1 1 प्रूव हो रहा है. x1 minus 1 हम minus वाली definition लेंगे, x2 minus 1, minus 1 minus 1 cancel out हो जाएगा, x1 is equal to x2 आ रहा है. इससे, इस discussion से ये पता चलता है कि domain set के सारे odd numbers भी 1-1 follow कर रहे हैं और सारे even numbers भी 1-1 follow कर रहे हैं. और अगर ऐसा हम देखें तो पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऑड और इवन में बांट दिया है, तो सारे ही नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स 1-1 फॉलो करेंगे. तो इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं 1-1, यही बात आगे लिखी हुई है. दस एफ इज 1-1, ऑल्सो एनी ऑड नंबर 2R plus 1 इन द को डोमेन एन इज द इमेज ऑफ 2R plus 2 इन द डोमेन एन, एंड एनी इवन नंबर 2R इन द को डोमेन एन इज द इमेज of 2R minus 1 in the domain. अब देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, जब आप बोलते हैं 2R plus 1, तो ये किसी ना किसी odd number को denote करने का general method है, क्योंकि R की जगह आप कोई भी number अब यहाँ रखेंगे, कोई भी natural number आप रखेंगे, तो 2 into R एक even number हो जाएगा और plus 1 करते ही ये odd हो जाएगा. तो odd number ये हमेशा एक odd number को represent करता है, 2R plus 1. उसी प्रकार से 2R plus 2 हमेशा एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि R कोई भी नंबर आप यहाँ रखेंगे नेचुरल नंबर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, इवन में 2 जोड़ेंगे तो फिर से वो इवन हो जाएगा. यही बात यहाँ कही जा रही है कि डोमेन सेट का ऑड नंबर को डोमेन के इवन से रिलेट होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन को देखें तो एक्स यदि यहाँ एक ऑड नंबर है, जैसा कि डिफाइनिंग स्टेटमेंट में ही लिखा है, x यदि एक ऑड नंबर है तो ऑड में एक जोड़ते ही इवन हो जाएगा, यानी डोमेन सेट का ऑड नंबर यानी x जो ऑड है वो को डोमेन के इवन से, ये पूरा इवन fx आएगा y की वैल्यू उससे रिलेट हो रहा है,
ऑड के केस में, यही चीज इवन के केस में है। यदि एक्स इवन है तो इवन में एक घटा देंगे, माइनस वन करेंगे तो फिर ऑड मिल जाएगा। यानी इधर के सारे इवन नंबर्स इधर के सारे ऑड नंबर से रिलेट होंगे, और दोनों ही केस में वन वन होगा। एक ऑड के लिए एक ही इवन नंबर मिलेगा यहाँ वन ऐड करने पे, उसी तरह एक इवन के लिए वन माइनस करेंगे तो एक ही ऑड नंबर मिलेगा। इस तरह ये वन वन रिलेशन प्रूफ होता है। और ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि कोडोमेन सेट में कुछ भी अनरिलेटेड ना बचे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचेगा। एक भी कोई अगर आप नेचुरल नंबर यहाँ लेंगे तो उसमें प्लस वन या माइनस वन करके अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ आपको एक ना एक एक्स की वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी जो उसकी प्री इमेज होगी। ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ कोलन। अब देखिए एफ नाम है फंक्शन का, और ये हो गया डोमेन सेट, एरो ये हो गया कोडोमेन सेट, यानी इस सेट से इस सेट को रिलेट किया जा रहा है। तो अब ये दोनों ही फाइनाइट सेट्स हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 1 2 3, और ये दोनों सेट सेम इक्वल सेट्स हैं। प्रूफ करना है आपको इज ऑलवेज 1 1, ये हमेशा 1 1 होगा। अब यहाँ पे फंक्शन की कोई डेफिनीशन नहीं दी गई है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, बस ये लिखा गया है एफ 1 2 3 रिलेटेड टू 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। यानी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ये दिया हुआ है, गिवन है ये, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन दिस इज ऑलवेज 1 1। प्रश्न ये है कि शो करिए यह ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। तो ऑन टू होने का मतलब है कि इस कोडोमेन साइड में कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सपोज एफ इज नॉट 1 1, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई किया जा रहा है। पहले हम मान लेते हैं कि एफ 1 1 नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स से 1 and 2 इन द डोमेन हुज इमेज इन द कोडोमेन इज सेम। तो यदि ये 1 1 नहीं है तो मान लेते हैं कि 1 और 2 दो एलिमेंट्स डोमेन में यहाँ पे ऐसे हैं जो कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, तो मेनी वन टाइप का फंक्शन मान रहे हैं इसे हम। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3, अब मतलब 1 और 2 मान लिया यहाँ डोमेन सेट का, इधर किसी एक से रिलेट हुआ। अब दो यहाँ और बच गए हैं अभी रिलेट होने के लिए, एक से किसी एक से 1 और 2 दोनों ही रिलेट हो गए। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ कैन बी ओनली 1 एलिमेंट। तो कह रहा है कि अब 3 का इमेज जो डोमेन में 3 है, इमेज कोडोमेन में होते हैं और प्री इमेजेस डोमेन में होते हैं। कह रहा है ऑल्सो द इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 मतलब 3 का इमेज अंडर एफ कैन बी ओनली 1 एलिमेंट। तो अब 3 का इमेज इस तरफ एक ही एलिमेंट होगा। So therefore the range set can have at most 2 elements of the codomain. तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि 1 2 का रिलेशन, 1 और 2 का रिलेशन मान लीजिए किसी एक से हो गया, 1 से हो गया तो 2 3 बच जाएंगे, ऐसा ही मान लेते हैं। तो अब इधर 3 जो है वो अगर 1 2 का 1 से हो गया तो 3 का या तो 2 से होगा या तो 3 से होगा। ऐसी स्थिति में कोई एक 2 और 3 में से बच जाएगा codomain set में, और ऐसा अगर हुआ तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, जो कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। यही बात यहाँ लिखी जा रही है। देयरफॉर द रेंज सेट कैन हैव एट द मोस्ट 2 एलिमेंट्स। ऐसी स्थिति में रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट होंगे, एक तो वह वाला कोडोमेन का जो 1 और 2 से रिलेट हो रहा है, और एक वह वाला जो 3 से रिलेट हो रहा है। तो 2 ही एलिमेंट्स का कोडोमेन रेंज सेट होगा, और ये इन टू फंक्शन हो जाएगा जो कॉन्ट्राडिक्शन है। Showing that f is not onto a contradiction, hence f must be 1 1. इसलिए function f को 1 1 होना ही पड़ेगा। Next example 14, show that a 1 1 function
एफ कोलन 1 2 3 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू, ये पिछले सवाल को ही बदल दिया गया है। अब यहाँ गिवन दिया गया है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू इसको प्रूव करिए, तो बिल्कुल वही लॉजिक जो पीछे हमने लगाया था। सिंस एफ इज 1 1, अब चूंकि ये 1 1 है तो और फंक्शन है तो डोमेन में तो कुछ भी अनरिलेटेड बच नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ही ये है। तभी किसी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जब डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड ना बचे। तो फंक्शन तो ये है ही है और 1 1 भी है, यानी कि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इधर किसी ना किसी एक से जरूर रिलेट होंगे और किसी एक से ही रिलेट होंगे, क्योंकि 1 1 है, 2 से नहीं होंगे। तो अब इस तरह देखें तो इधर 3 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं और 1 1 है, तो इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इधर तीनों ही के तीनों रिलेशन को में पार्टिसिपेट करेंगे, और अदरवाइज ये रिलेशन या तो फंक्शन नहीं होगा या तो 1 1 नहीं होगा। इन दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शंस को अगर हम देखें तो ऑन टू होना अनिवार्य है इस फंक्शन का, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है, सिंस एफ इज 1 1 3 एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 दिस सेट मस्ट बी टेकन टू 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट, यहाँ महत्वपूर्ण है 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि 1 1 है तो तीनों अलग अलग से होंगे ऑफ द कोडोमेन 1 2 3 अंडर एफ, हेंस एफ हैज टू बी ऑन टू। इसके बाद एक रिमार्क है यहाँ पे, द रिजल्ट्स मेंशन्ड इन एग्जांपल 13 एंड 14 आर आल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट x, दैट इज अ 1 1 फंक्शन f x2x इज नेसेसरली ऑन टू एंड एन ऑन टू मैप f x2x इज नेसेसरली 1 1 फॉर एवरी फाइनाइट सेट x। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी सेट x लें तो अगर फंक्शन f x2x हो और वो 1 1 फंक्शन हो तो ऑन टू जरूर होगा, और अगर वो ऑन टू है तो 1 1 भी अवश्य होगा किसी भी फाइनाइट सेट के लिए, फॉर एवरी फाइनाइट सेट, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस एग्जाम्पल 8 एंड 10 शो दैट फॉर एन इनफाइनाइट सेट दिस मस्ट नॉट बी ट्रू। आप पीछे देख सकते हैं 8th और 10th एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर और रियल नंबर के सेट्स लिए गए थे, तो वहाँ पर इनफाइनाइट सेट्स थे, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। या तो 1 1 था तो ऑन टू नहीं हो रहा था फंक्शन, ऑन टू था तो 1 1 नहीं हो रहा था, और इन दोनों पिछले प्रिसीडिंग एग्जाम्पल्स में फाइनाइट सेट्स के केस में 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1, ये एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। इनफैक्ट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट एंड अ इनफाइनाइट सेट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।